तो पहले आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे अटेंडेंस शीट को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो पहले कोई भी स्कूल कॉलेज नेम लिख रहे हैं ऊपर की तरफ, जिस स्कूल या कॉलेज आप यूनिवर्सिटी की बना रहे हैं तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख के एंटर करेंगे और उसके नीचे लिखेंगे अटेंडेंस शीट, तो यहाँ पर ये अटेंडेंस शीट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद जिस मंथ की आपने अटेंडेंस शीट बनानी है उस मंथ को यहाँ जिक्र करना है। फिर आपने यहाँ पे लेना है रोल नंबर, उसके बाद आपने यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लेना है और फिर आगे आपने इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना है कि आपने यहाँ पे लिखना है वन। अब ये वन आप लिख रहे हैं जो ये हो गई डेट, फर्स्ट डेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फिर जाना है यहाँ फिल में और यहाँ से क्लिक करना है सीरीज़ पर और यहाँ से ऑप्शन लेना है आपने रोज़ का। और एक महीने में होते हैं तकरीबन 30 दिन, तो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं 31 डे का और इसको ओके कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली 1 to 31 के नंबर जनरेट कर देगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जिस मंथ की आप ये बना रहे हैं उस पर क्लिक करें, वो उस महीने का जो पहला दिन पड़ रहा है वो मंडे है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और MON लिख दिया हमने मंडे का शॉर्ट फॉर्म। क्लिक करके जैसे ही हम उसको डबल क्लिक करेंगे या ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेज को जनरेट करेगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर करना है, बोल्ड करना है, फॉन्ट साइज़ को रिड्यूस करके 10 पे करना है। यहाँ से क्लिक करके एरियल शीट जो है वो उसका फॉन्ट यहाँ से चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जो है फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पर हमने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसकी चौड़ाई को सेट करना है 4 के ऊपर। जैसे ही 4 पर सेट करेंगे ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसको ऑल बॉर्डर्स करना है और थिक बॉक्स बॉर्डर कर देना है यहाँ से। तो ये देखें इस तरह से इसका ये सेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करके इसको आप यहाँ पर इस तरह से कैंडिडेट नेम को सेलेक्ट करें और यहाँ से इसको रोल नंबर को सिलेक्ट कर लें। इन दोनों को इस तरह सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दें और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर मज़ीद यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट, एब्सेंट और यहाँ पे लिख लेना है लीव। तो प्रेजेंट के लिए पी का आइडेंटिफायर, एब्सेंट के लिए ए और लीव के लिए एल का आइडेंटिफायर यहाँ छोड़ना है आपने, सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको फॉर्मेट में जाके कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है और इसकी जो विड्थ है 6 या शायद 7 इस पर इसको सेट कर ले, तो ये उस पर सेट हो जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से लेफ्ट राइट करके तो बॉटम सेंटर करके बोल्ड कर देना है। फिर यहाँ से इसको भी ऑल बॉर्डर्स एंड थिक बॉक्स बॉर्डर में कन्वर्ट कर देना है। देन उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको भी इसको सेल स्टाइल्स में जाके आप इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर दें, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेंटर कर लें। इसमें जो रोल नंबर है अगर ये थोड़ा बड़ा आ रहा है तो यहाँ पे लिख दें सपोज टू बी आर हैश, मतलब रोल नंबर इस तरह से शो किया जा सकता है। तो उसके बाद यहाँ से मंथ्स को सिलेक्ट करके दोनों को मर्ज कर दें, यहाँ सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर दें, अटैलिक कर दें, यहाँ पर जो मंथ लिखा जाएगा उतने एरिए को सिलेक्ट करके मर्ज कर दें। फिर जिस मंथ के लिए बात हो रही है 2024 उसको यहाँ से जो है यहाँ से इसको कंप्लीट कर दें क्लिक करके। यहाँ से आप जो है इसको क्लिक करके डेट से और उनका जो भी मंथ का है वो आप यहाँ से सेट कर लें और यहाँ से ओके कर दें, तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर दें, अटैलिक कर दें इसको इस तरीके से और ये आपको इस तरीके से नज़र आएगा। सेलेक्ट कर लें इसको यहाँ से लेके यहाँ तक और इसको कर दें मर्ज एंड सेंटर। सेल स्टाइल्स में जाके इसको कन्वर्ट कर दें टाइटल में एंड देन इसको बोल्ड और इटैलिक करके यहाँ पे इस तरह से दिखा दें। सेलेक्ट कर लें इसको, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको भी कर दें मर्ज एंड सेंटर पे। सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग 2 में कन्वर्ट कर दें, देन बोल्ड एंड इटैलिक कर दें, इस तरह से आपको नज़र आएगा। आप रही बात नीचे वाले सेगमेंट की, तो यहाँ पर भी कोई रोल नंबर आप जनरेट कराना चाह रहे हैं सपोज 101 से लेके 110 तक के, तो यहाँ पर क्लिक कर लें। क्लिक करके फिल में जाके सीरीज पे क्लिक कर लें, कॉलम पे क्लिक कर लें या 101 लिख लें और जो 115 नंबर में यहाँ पे नेक्स्ट ऐड करके ओके कर देता हूँ। तो इसको जनरेट करना चाहिए था लेकिन इसने नहीं किया, तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, 102 लिखते हैं, 103 लिखते हैं और तीनों नंबर्स को हम सिलेक्ट करके यहाँ से क्लिक करके इनको ड्रैग करेंगे
और ड्रैग करने के बाद जितने नंबर्स हमने जनरेट करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे, और इसके बाद जो है यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं इसको। यहाँ से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे, थिक बॉक्स बॉर्डर करेंगे, और फिर ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं इसके पेज सेटअप की तरफ कि इसको कैसे पेज पर सेटअप करेंगे। तो दोबारा से हम यहाँ से जाएंगे पेज लेआउट की तरफ, और यहाँ पे हमें ये दो सेगमेंट में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं इसके ऊपर, सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन पर, यहाँ से लेंगे लैंडस्केप, यहाँ से लेंगे पेपर का साइज़ और उसको सेट करेंगे A4 पर या फिर लेटर पर, जिस पर भी चाहें। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे मार्जिनस और लेंगे कस्टम मार्जिनस, और यहाँ से क्लिक करके लेफ्ट मार्जिन को हम सेट करेंगे 0.25 पर, राइट मार्जिन को भी 0.25 पर। टॉप एंड बॉटम मार्जिन में से टॉप मार्जिन ज़्यादा रख लेंगे, बॉटम मार्जिन आप इसका कम कर देंगे, सपोज टू बी 0.5 कर दिया, और इसको ओके कर देंगे। यहाँ पर एक और चीज़ को ऑब्जर्व कर लें, जैसे हमारा प्रिंटिंग मोड जो है लेफ्ट और राइट से कैसा हो, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंटिंग मोड लेफ्ट और राइट से सेंटर में आएगा, और अगर टॉप एंड बॉटम से देखेंगे तो भी वो सेंटर में आएगा। देन क्लिक करके ओके करेंगे तो ये इस तरह से हमें नज़र आने लग जाएगा। इसके बाद जो है ये हमारे पास जो है दो कॉलम्स हमें दिख रहे हैं, और दो कॉलम्स का सिलसिला, तो ये दो कॉलम्स हमारे इस तरह से आ रहे हैं। इसमें से हम इसका जो स्केल है उसको यहाँ से कम करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, स्केल को 70 से 73 कर देते हैं, तो ये यहाँ पे इस तरह से नज़र आएगा, और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा अटेंडेंस शीट का। यहाँ से हम इसको नॉर्मल व्यू में ले आएंगे तो इस तरह से एक अटेंडेंस शीट बन जाएगी। कलर स्कीम मैं आपको भेज देता हूँ उसके अंदर, उस पर से देख के जो भी आपने कलर्स इसमें फिल करना है वो फिर इसमें कर लीजिएगा, ठीक है।